हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, मैं आज आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना गार्डन दिखाऊंगी ही, क्या क्या फूल लगाया है, कैसा खिल रहा है, क्या चल रहा है फूलों में, पौधों में और कलियों में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिखा रही हूँ, देखिए मेरे पॉट में क्या क्या लगा हुआ है। और क्योंकि मैंने गार्डनिंग जो है पॉट में लगाना ज़्यादा नहीं हुआ है, महीना शुरू किया हुआ है। पहले तो मैं लगाती थी ज़मीन पर ही, पर अभी थोड़ा पानी का क्राइसिस है इधर, तो मैं इसे पॉट पे भी लगाना शुरू किया है। अभी देखिए ऐसा मेरे पॉट पे क्या क्या है। और इधर देखिए, ये फ्रेंड्स मैरीगोल्ड, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4-5 दिन से। देखिए थोड़ा सूख गया है, अभी हवा बहुत ज़्यादा चलता है इधर आजकल, बहुत ही सूखा सूखा पड़ रहा है तो ऐसा। और ये देखिए एक सुंदर से खिला है फ्रेंड्स। देखिए ये है कॉस्मोस, कॉस्मोस का जो अभी का जो विंटर का कॉस्मोस जो है, इतना बहुत ही ज़्यादा हाइट में नहीं खिलता है, कम हाइट में ही खिलने लगता है ये देखिए। और जब बारिश का सीज़न में जब होता है, ये इसका हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखिए बहुत ही सुंदर से खिल, बहुत भर भर के खिल रहे थे, अभी थोड़ा मैंने तोड़ दिया जो खिल चुका है उसको मैंने निकाल दिया है। एक ही पॉट में मैंने बहुत सारा लगाया है, कम से कम 6 ऐसा लगाया है। और ये देखिए कलर इसका ऑरेंज, देखिए नेस्टोसियम, इतना सुंदर फूल, बहुत ही क्यूट। और इसका जो कलर सबसे, मतलब देखिए इतना प्यारा कलर है। और तो क्या बताऊँ, ये है देखिए, ये वंडरिंग जो इसे लगा दिया था, बहुत हो गया अभी। इधर भी एक खिल रहा है, ये स्नेक प्लांट के पॉट में इधर रख दिया था। और इधर छोटा सा है ये तो वही है, अब पहचानते हो कि नहीं इसको। मैं तो पौधा देखकर ही पहचान लेती हूँ किस फूल का है ये पौधा। ये है कॉस्मोस, देखिए ये दूसरा कलर है जो मैं अभी दिखाई थी, मेरे यहाँ खिल रहा है ये कलर, ये नहीं, ये पूरा येलो कलर का है, मैंने बीज लेके कहीं से इधर गाड़ दिया था, वो गया है, एक ही है। और ये देखिए दीदी के घर से लाई थी, पोली थी, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मैं, फिर भी दिखाई हूँ कैसा है ग्रोथ, कैसा क्या है ना। अभी देखिए ये है, उधर से दिखाऊंगी। अभी गुलदाउदी जो है अभी खिलना बंद हुआ, एक दो छोटे छोटे कलियाँ है। और ये जंगल से ला के मैंने इधर लगा दिया, ये बहुत ही अच्छा खिलता है, ये भी पीले कलर में ही होता है। और ये देखिए एक मेरा कोलियस कैसा हो गया, 2 महीना हो गया शायद इसको लगाया हुआ, देखिए तो सुंदर हो गया है। मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाला वैरायटी भी अच्छा है, सुंदर देखने में पत्तियाँ। देखिए भी धूप मिलता है तो इसका ओरिजिनल जो इसका कलर होता है वो निखार के आ जाता है, देखिए दोनों बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर मेरा इसका क्या हाल है, देखिए जो मिर्ची था वो अभी थोड़ा बढ़ने लगा है, इसका ग्रोथ आने लगा है, थोड़ा धूप भी मिल रहा है अभी। इधर ये वाला देखिए इसका क्या है हाल, इसी पॉट में मैंने और क्या क्या रखा है, देखिए अभी आएगा ना सीज़न, अभी जब अभी ये मार्च का महीना ख़त्म होगा, अप्रैल जब बारिश शुरू हो जाएगा हमारे इधर, तो मार्च का मतलब जो है लास्ट वीक से, मतलब ऐसा मिडल से थोड़ा थोड़ा बारिश हो जाता है। देखिए इधर लगा दिया है मैंने ये 9:00, बहुत ही अच्छे से लगा दिया है,
अभी एक दो महीने में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छोटा टिप है, सिर्फ टिप थोड़ा लगा दिया, टिप थोड़ा गाड़ दिया ऐसा है। अभी इसका भी सीजन आएगा। और इधर देखिए ज़मीन पर क्या क्या लगाया है, वही पहले का है पर अभी क्या खिला है क्या नहीं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इतना सुंदर कलर, बहुत दिन हो गया खिला हुआ, बहुत दिन तक खिलता है, ताज़ा रहता है। ये एक और देखिएगा क्या खिला है। पंडित जी उनका मिट्टी पे से गाड़ देती हूँ तो देखिए जहाँ धूप अच्छे से डायरेक्ट पड़ता है ना उधर का कलर अलग ही होता है। और ये सब कॉस्मोस का जो था अपने आप इधर उग गया था, पहले था तो देखिए अभी इसमें भी कलियाँ आना शुरू हुआ है। देखिए कॉस्मोस खिल रहा है, बहुत छोटे हाइट में खिलता है अभी विंटर का सीज़न में। विंटर बोले तो क्या है, अभी फरवरी का महीना ख़त्म होने वाला है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा गर्मी भी जैसा भी लगता है, दिन में धूप निकलता है अच्छे से। ये देखिए इधर भी है नेस्ट, इसका कलर इतना सुंदर कलर, देखिए फ्रेंड्स ओ माय गॉड, देखिए ये ओ माय गॉड। और मैरीगोल्ड और खिलना बाकी है, इधर कलिया है फ्रेंड्स। ये सारा जो है मेरा ज़मीन पे लगा हुआ है, देखिएगा ऊपर से दिखा रही हूँ ऐसे। और इधर आइए और इस कोने में देखिए एक बोगनवेलिया का जो मैंने दीदी के घर से लेके ऐसे गाड़ दिया था, इतना सा ये था डंडा जो देखिए अभी इसका मैं सूख गया करके पानी डालना भी छोड़ दिया था, पर यहाँ जो था मतलब नमी था इसलिए इसमें मतलब पत्तियाँ निकलना शुरू हो गया तो मैं फिर से पानी डालने लगी। देखिए बहुत ही अच्छे से निकल रहा है ये छोटा, देखिए बोगनवेलिया कटिंग से ऐसे आप भी लगा सकते हो, छोटा सा लेके आइए कहीं से इसका ये और गाड़ दीजिए देखिए। और देखिए इधर एक आप पहचानते हो कि नहीं, यह है हाट जोड़नी लता, मतलब इसको हड्डियाँ जोड़ जाती है, जब हड्डियाँ टूटती है तो इसको इसका पेस्ट बना से इस लता का पेस्ट बना के मतलब इधर लगाने से बांधने से हड्डियाँ जो है कुछ दिनों बाद टाइम लगता है उसको प्रॉपर, मुझे इसे पता नहीं है पर हड्डियाँ जोड़ने का काम करता है ये लता। अभी मैंने इतना लेके इधर गाड़ दिया है, दूसरे जगह में मुझे लगाना है ज़मीन पर। देखिए बहुत फैल जाता है लता, इसका पत्तियाँ नहीं होता, ऐसे ही इधर से उधर से निकलता रहता है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने कभी देखा है सुना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये एक सफ़ेद फूल खिलता है, खिलते वक्त सफ़ेद होता है पर इसका कलिया जो होता है लाल, इसलिए शायद इसको लाल कुंडा बोलते हैं कुछ लोग और इसको जूही के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग इधर बोलते हैं स्वस्थानी फूल, स्वस्थानी फूल शायद इसलिए बोला है कि मतलब इस महीने में जो स्वस्थानी का महीना जो होता है पूर्णिमा तक है ना, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, माघी पूर्णिमा तक, तो वो स्वस्थानी का महीना में मतलब इसका खिलने का शुरू होता है, मतलब इसलिए ज़्यादा खिलता है वो ये महीने में, इसलिए शायद इसको स्वस्थानी फूल। और कुछ लोग मैंने सुना ये भी सुना है कि स्वरस, मैंने वीडियो में देख के ही जाना है कि इसको सरस्वती फूल भी बोलते हैं, शायद अभी सरस्वती माँ का जो 14 फरवरी को था वो सरस्वती पूजा है ना, वो शायद इस सीज़न में खिलता है इसलिए नाम दिया गया होगा। और सफ़ेद है, सरस्वती का चढ़ाया जाता है, सफ़ेद सरस्वती को पसंद है तो शायद इसीलिए, जो भी हो जूही हो लाल कुंडा हो स्वस्थानी फूल हो या सरस्वती फूल हो, ये फूल जब खिलते हैं तो भर भर के खिलते हैं। देखिए भर भर के, अभी ये जो इसका एज मैं बताऊँ तो प्रॉपर ये 2 साल का भी नहीं हुआ है ये फूल, जब मैं लाई थी बहुत ही छोटा फ्रेंड्स, बहुत ही ऐसा ऐसा एक
डंडा इतना सा लाई थी, जड़ था थोड़ा, जड़ का निचले भाग से लाई थी और इधर लगा दिया था ज़मीन में, तो बहुत ही अच्छा देखिए फ्रेंड्स। और देखिए ना बहुत ही मज़ा आता है ये फूल को देख के मुझे, देखिए बहुत ज़्यादा खिलता है। इधर मैंने गोबर डाल के रखा है और ये छिड़का तो कच्चा गोबर छिड़क दिया था ताकि बकरियाँ जो है डिस्टर्ब ना करे, इसको मुँह ना लगाए। देखिए यही है फ्रेंड्स। और इधर ज़मीन पर भी बहुत सारा है मेरा फूल लगाया हुआ, पर पानी नहीं है इधर का, मैं केयर कर नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे रहता है बड़ा वाला फूल जो रहता है ये। देखिए हिबिस्कस हो। और देखिए एंड में मैं क्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है गोबर। देखिए कितना सारा गोबर, ये सब गोबर ही है फ्रेंड्स। अभी ये गोबर जो है अभी हो गया, इसका डल्ला डलवाया है मैंने किसी से, उधर गाय का फार्म है, मैंने कहा इधर मेरे घर में जगह है थोड़ा गोबर डाल दीजिएगा, तो डाल दिया। इसको बदले में मैंने उन लोगों को कुछ दिया। और देखिए इतना अभी ये सारा सुखाना है इसको, अभी 2 महीने इधर में और कच्चा गोबर नहीं डालना है, इसे सूख जाएगा तो ये बनेगा प्रॉपर खाद, 2 महीने बाद बनेगा ये, कच्चापन हट जाना चाहिए। और इस बार मैं सोची हूँ कि ये खाद जब होगा 2 महीने बाद, तो मैं इधर मेरा ज़मीन है हमारा, तो देखिए इधर मैं लगा दूँगी कुछ वेजिटेबल्स। और बारिश शुरू होना पड़ेगा, अभी तो नहीं फ्रेंड्स, अभी 1-2 महीने बाद ही होगा, 1-1.5 महीने बाद जब बारिश शुरू होगा तब। फ्रेंड्स आप लोग किसी को गोबर का खाद चाहिए तो कमेंट कीजिएगा अगर। और फ्रेंड्स एंड में हमेशा की तरह ये मेरा वंडर जिम को एक बार देखिए क्या हुआ है। अभी गर्मियाँ शुरू होते हैं, इसको हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स, डर लगता है गर्मियों में सांप तब इधर घुस ना जाए, क्योंकि मेरा ये जो है दरवाजा के पास ही है। और इधर मैंने लगा दिया है कॉस्मोस का सारा, वहाँ से वहाँ तक कम से कम 15 पौधा है इसे लगा दिया है, अच्छे से अरेंज करके इसे ही उग गया था इधर उधर तो इसे। और एक मग पानी से मैं रोज़ करती हूँ, इनमें डालती हूँ सिर्फ एक मग पानी डालना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इधर डाल देती हूँ फ्रेंड्स। क्या करें, पानी को बहुत बचाना पड़ता है, पानी का नहीं, और ड्राई होने वाला है सीजन, तो अभी बहुत धूल है और हवा भी चलता है सूखा। देखिए अभी मेरा सर्दी भी लग रहा है इधर फ्रेंड्स। यही था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।